तो ये देश का जो प्रधानमंत्री है, ये ब्राह्मणों के द्वारा रखा हुआ एक बैल है। जब बैकवर्ड क्लास का प्रतिनिधि ही नहीं है तो बैकवर्ड क्लास का प्रधानमंत्री होने का सवाल नहीं। बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होगा, ऐसा कोई कानूनन बंधन नहीं। शासक बनने का ताकत, वोट का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर हम दे चुके हैं, तो वो तो हमारे अंदर है। हमारे लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए एक बैकवर्ड को ब्राह्मणों ने देश का प्रधानमंत्री बना दिया है। अभी करंट डेवलपमेंट, एक ब्राह्मण को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, तो हमारे लोगों को क्या लगता है? तो हमारे लोगों को लगता है, मेश्राम जी आप कहते थे कि बैकवर्ड को जाति आधारित गिनती करने का है, फिर संख्या का पता चलेगा, फिर हमारे लोग जागृत होंगे, फिर हमारे लोग प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री तो हो गए, अब क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री तो हो गया, अब क्या जरूरत है? ऐसा हमारे लोगों को लगता है। हम बैकवर्ड क्यों है? वो इसी वजह से बैकवर्ड है कि उन्होंने बैकवर्ड में से एक आदमी को खड़ा कर दिया और उसको नियंत्रण कर रहे। अब आपको देहाती उदाहरण दिया जाए, मैं किसान का बेटा हूं तो आपको बताता हूं। गाड़ी को दो बैल जोड़े जाते हैं, जूते जाते हैं, और दोनों बैलों की रस्सी वो गाड़ी चलाने वाले के हाथ में रहती है। बैल तब तक आगे बढ़ता है जब तक वो रस्सी अपने हाथ में रखने वाला जो आदमी है तब तक वो बैल को आगे जाने देता है। तो ये देश का जो प्रधानमंत्री है, ये ब्राह्मणों के द्वारा रखा हुआ एक बैल है। ये बैल है। आप बोलेंगे नहीं, इतना अपमानजनक बात नहीं बोलना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए। हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, मगर क्या करे कि वो जो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री कहता रहता है कि हम नीच जाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, मगर पिछड़े वर्ग के लिए 10 साल प्रधानमंत्री बनाने के बाद भी उसकी गिनती करने का भी काम नहीं किया। पिछड़े वर्ग का होकर भी उसकी गिनती करने का भी काम नहीं किया। पिछड़े वर्ग का है ऐसा बोलता है, मगर उसकी गिनती करने का काम नहीं किया। मोदी जी को पूछो, मोदी जी देश में कुत्ते कितने हैं? कहा जानकारी है हमारे पास। अच्छा, उसमें काटने वाले कुत्ते, हाँ इसके भी जानकारी है हमारे पास। अच्छा, सज्जन कुत्ते कितने हैं? अब आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, कुत्ता भी सज्जन होता है? हाँ सज्जन होता है। अब आप लोगों को सज्जन कुत्ता कौन होता है? जो ना काटने वाला कुत्ता है उस सज्जन कुत्ता होता है, जो काटने वाला कुत्ता है वो कुत्ता जो है वो काटने वाला होता है, उसको कोई आदमी सज्जन नहीं बोलता है। तो तमाम प्रकार के जानवरों की जानकारी और उसकी संख्या मोदी जी को मालूम है, मगर मोदी जी को पूछो पिछड़े वर्ग की संख्या कितनी है, ये हमको पता नहीं। ओबीसी की संख्या कितनी का, ये हमको पता नहीं है। जानवरों की संख्या मोदी जी को पता है, मगर पिछड़े वर्ग जो इंसान है उसकी उनको पता नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम बैकवर्डों ने जिस एक बैकवर्ड को देश का प्रधानमंत्री बनाया, वो हमारी गिनती करने के लिए भी तैयार नहीं है। जानवरों की गिनती कर रहा है, मगर हमारी गिनती नहीं कर रहा है।
जो हमारी गिनती ही नहीं कर रहा है, वो हमारे हक और अधिकार देने के लिए राजी कैसे होगा। दूसरी बात, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते राजी हो गया, तो जिस तरह के बैल की रस्सी उस पकड़कर रखने वाले लोगों के हाथों में होती है, तो मोदी की रस्सी ब्राह्मणों के हाथ में है, तो ब्राह्मण लोग उसको खुली छूट दिए, आपको जो करना है करो, पिछड़े वर्ग की गिनती मत करो। तो नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग की गिनती करता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देता कि इन्होंने गिनती करने की गलती से भी कोई बात की हो, गलती से भी बात नहीं किया। कभी कभी गलती हो जाती है, मगर गलती से भी कोई बात नहीं किया। इसलिए मोदी जो है ये बैकवर्ड क्लासेस का प्रतिनिधि नहीं है। जब बैकवर्ड क्लास का प्रतिनिधि ही नहीं है तो बैकवर्ड क्लास का प्रधानमंत्री होने का सवाल नहीं है। बैकवर्ड क्लास को ध्यान रखना होगा कि ये हमारा प्रतिनिधि नहीं है, तो ये हमारा प्रधानमंत्री होने का सवाल नहीं है। दो बार इसको हमने चांस दिया, 10 साल से देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, तीसरी बार अवसर मांग रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो चुनाव जीतकर आने के पहले ही कह रहा है 400 पार। अभी रिजल्ट नहीं आया है और पहले बोल दिया 400 पार, तो ये तो ईवीएम मशीन से ही संभव है। ये 400 पार जो है ये ईवीएम मशीन से ही संभव है। इसलिए हम लोगों ने ईवीएम का बंदोबस्त करने का प्लान बनाया, 12 लाख से लेकर 15 लाख तक बूथ रहने की संभावना है। तो हम लोगों को ईवीएम फोड़ने के बारे में संकल्प करना चाहिए। मैं आप लोगों को ईवीएम फोड़ने के बारे में क्या करना चाहिए वो बताना चाहता हूं। देखो, फोड़ने की बात वोट डालने के 3 दिन पहले बताऊंगा, अभी अभी फोड़ने का तो तारीख ही नहीं आया है। तारीख आएगी तब फोड़ना है, तो अभी फोड़ने का तो कोई मुद्दा है नहीं है। फिर अब क्या करना है, फोड़ने की तैयारी करना है। तो एक आदमी को फोड़ने का मामला नहीं है, आपको 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथ पर कम से कम एक आदमी और ज्यादा से ज्यादा 3 आदमी बूथ में, आपको एक बूथ में कम से कम एक। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक से नीचे नहीं हो सकता, एक से नीचे नहीं हो सकता, इसलिए कम से कम एक बोल रहा हूं। तो एक आदमी कम से कम होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 3 होना चाहिए, क्योंकि एक बार फोड़ोगे तो भारत सरकार और चुनाव आयोग एक एडिशनल मशीन रखेगा, ऐसी संभावना है। एक मशीन फोड़ेगा, एक मशीन एडिशनल रखेगा, तो दूसरा आदमी भी फोड़ने वाला होना चाहिए और बचत में एक और एडिशनल होना चाहिए। कभी एक आध आदमी 3 में इससे ज्यादा बीमार पड़ गया, समय पर कोई गड़बड़ी हो जाती है। अभी हम इंजेक्शन दे रहे हैं हौसले का, इंजेक्शन देने के बाद हौसला बढ़ जाएगा और तब तक वो इंजेक्शन का असर कम हो गया तो साला असर उतर जाएगा, तो वो एक आध आदमी अपने घर में ही रहेगा, साला जाएगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को ये बात मिनिमम बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास समय कम है,
तीन आदमी एक बूथ पर आपको तैयार करना है, क्योंकि अभी फोड़ने का काम नहीं है। फोड़ने का काम तो जिस दिन वोट का दिन आएगा उस दिन होगा। अब देखो, ये फोड़ने की बात मैं ऐलानिया बोल रहा हूं, दूसरा ये देखो रिकॉर्ड कर रहा हूं और सारे देश भर में लोग सुन रहे हैं, ये गैर कानूनी है। ये जो बोल रहा हूं ये गैर कानूनी है, पुलिस वाले भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। पुलिस वाले रिकॉर्ड करने के बाद भी मुझे अरेस्ट नहीं कर रहे। आप लोगों पता है क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? बोलते साले अरेस्ट करेंगे हीरो हो जाएगा। क्या लगता है उसको? अरे अरेस्ट करेंगे हीरो हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों को कहा चले जाओ, भारत छोड़ो, ये आंदोलन चलाया था। जब गांधी जी को अरेस्ट किया था तो सारे देश के लोग सड़कों पर उतर गए थे। तो इससे उन्होंने सबक सीखा, ये नेताओं ने सबक सीखा, इसलिए वो मुझे अरेस्ट नहीं करते हैं। गुजरात में एक बार उन्होंने अरेस्ट किया था, मुझे गुजरात में लोग जेल में जाने से लिए डरते हैं। मैंने कहा पहले मैं गुजरात में ही जेल में जाके वापस आता, तो गुजरात के जेल में जाके वापस आया। यहां पर जब मैं आया हूं तो गुजरात से जेल में जाकर वापस आया हूं, तो रात के 2 बजे असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर मुझे मिलने के लिए आया, रात के 2 बजे। क्या कहने लगा? इस सरकार को लग रहा है गलती हो गया है। मैंने कहा साला कोई रहस्य वाला बात लगता है। तो पूछा उसको ऐसा सरकार को क्यों लगता है? कहा इसलिए लगता है कि सारे देश भर के पुलिस चौकी के सामने आपके लोग इकट्ठा हो गए, मुझे अरेस्ट किया जेल में डाला तो सारे देश के पुलिस चौकी के सामने, और वहां का पुलिस चौकी का इंस्पेक्टर कहता है अरे भाई हमने क्या किया, तुम हमारे पुलिस चौकी के पास इकट्ठा हो गए, हमने क्या किया? कि नहीं आपने कुछ नहीं किया गुजरात में। तो वो इंस्पेक्टर गुजरात में टेलीफोन करता था, वहां के इंस्पेक्टर को करता था, वहां के एसपी को करता था, वहां के जिले के अधिकारी को करता था, और ऐसा लगातार कई हजार टेलीफोन जो है उनके पास गए। तो उन्होंने सारा अंदाज ला, रहे तो बहुत गलत हो गया, गलत हो गया क्योंकि ये आदमी जो है हीरो हो गया। तब से वो मुझे अरेस्ट ही नहीं करते, हैं। मैं तो एक टांग पर अरेस्ट करने के लिए तैयार रहता हूं, मगर दोनों टांग में भी नहीं करते हैं, एक टांग तो छोड़ो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग ईवीएम फोड़ने की बात जो बाद में हमको करनी है, अभी हम लोगों को ईवीएम फोड़ने वाली कमिटियां बनाओ। इस सारे देश भर में ईवीएम फोड़ने वाली कमिटियां 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथ रहेंगे, इतनी कमिटियां बनानी है। सारे देश भर में यह कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम केवल आपके अंबेडकर नगर में नहीं चल रहा है, ये सारे देश भर में चल रहा है। और लोग अपने अपने इलाके में इस तरह की कमिटियां बनाने का काम शुरू हो गया है। वो जो कमिटियां बनेगी वो तो संगठन बनेगी। ईवीएम फोड़ने का 3 दिन पहले आपको आदेश आ सकता है, नहीं भी आ सकता। दो बातें हैं। अच्छा, आ सकता क्यों? अगर उन्होंने बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं करवाया आ सकता है। मतलब सारी बातें आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं आसानी से आपको समझा रहा हूं।
कि अगर चुनाव आयोग ने बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने का ऐलान नहीं किया तो मेरा आदेश आएगा, कंफर्म है, पक्का है। पहले मैं एक ही बात करता था, अभी दो बात करता हूं। दूसरी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अंदर से जानकारी मिली कि बैलेट पेपर का भी ट्रेनिंग चल रहा है। देखो बामसेफ जो संगठन है तो कर्मचारी लोगों का संगठन है ना, कर्मचारी लोगों को चुनाव आयोग ने काम पर लगाया है, उसमें बामसेफ के लोग भी है। बामसेफ तो हर जगह सीआईडी की तरह घुसा हुआ है ना, तो उधर से मुझे जानकारी आई, टेलीफोन आया, मिश्रम जी ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर का भी ट्रेनिंग हो रहा है। मैंने कहा साला दो दो ट्रेनिंग क्यों हो रहा है, कहा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मगर दो दो ट्रेनिंग हो रहा है। तो मुझे समझ में आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि दो दो ट्रेनिंग क्यों हो रहा है। चुनाव आयोग को क्या लगता है, अभी से घोषित करेंगे कि बैलेट पेपर पर चुनाव करना है तो सारे देश भर में आप लोग जो है बहुत ज्यादा उत्साह से अपने अपने जगह पर कार्यक्रम लगा दोगे कि हमारी जीत हो गई, जीत हो गई, जीत हो गई। ऐसा कर सकते हैं ना हमारे लोग, समाज के लोग, तो ये वो आपको करने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए समय पर करने की सोच रहे हैं। तो ये जानकारी की वजह से दो बातें बता रहा हूं। एक बात तो ये है कि फोड़ने का हमारा कार्यक्रम पक्का है, मगर ये मैसेज आपको 3 दिन पहले दिया जाएगा, हो सकता है 3 दिन पहले ही खबर आ जाए कि बैलेट पेपर पर हो रहा है, ऐसा हो सकता है। तो तब तक आप लोगों को तैयारी करना है, बूथ फोड़ने वाली कमेटी, और बूथ फोड़ने वाली कमेटी आपके इलाके में आपने बनाया तो कोशिश करो कि अपने कमेटी बनाया वो लीक कर दो, ने बना लिया वो खबर जाएगी प्रशासन के पास में, इधर भी बन रहा है, सारे देश के चुनाव आयोग के पास, भारत सरकार के पास खबर चली जाएगी कि ये तो फोड़ने का कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। ऐसा होते ही ईवीएम मशीन चली जाएगी, बैलेट पेपर आ जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, चुनाव का जो कानून है उसमें बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होगा ऐसा कोई कानूनन बंधन नहीं है। आज भी चुनाव के कानून में बैलेट पेपर से भी चुनाव हो सकता है, एक कानून में अभी भी व्यवस्था वैसे के वैसे ही है। चुनाव आयोग अगर फैसला कर ले बैलेट पेपर कानून में व्यवस्था पहले से है, ईवीएम भी और बैलेट पेपर भी, इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसे गैर संवैधानिक कहा जाए। हम तो कह रहे हैं कि लोग तंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट के अधिकार को बचाने के लिए, वोट का अधिकार बचेगा तो हम संविधान बचाएंगे, तो संविधान बचाने के लिए ईवीएम फोड़ रहे हैं तो साला कौन सा अपराध कर रहे हैं। पुलिस वालों को हमारे खिलाफ कोई केस भी तो दायर करना पड़ेगा ना, धारा लगाना पड़ेगा ना, कौन सा धारा लगाएंगे कि संविधान बचाने के लिए इनके ऊपर फोड़ने का आरोप है, संविधान बचाने के लिए फोड़ने का आरोप, तो ये सब आरोप ही नहीं बन रहा है, बनता है आरोप, तो संविधान को बचाने के लिए फोड़ा, तो संविधान बचाने के लिए अगर ईवीएम फोड़ा, अरे संविधान बचाने के लिए कुछ भी फोड़ सकते हैं, ईवीएम तो छोटा चीज है, संविधान बचाने के लिए कुछ भी फोड़ सकते हैं तो ईवीएम तो छोटी बात है। इसलिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे आजादी का आंदोलन है, 1848 से लेकर 1956 तक हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़कर वोट का अधिकार हासिल किया,
तो वोट का अधिकार शासक चुनने का और शासक बनने का दो अधिकार है, शासक चुनने का, शासक बनने का। तो 84 तक हमारे लोगों ने चुनने का काम किया दूसरे को चुनते रहे, और 84 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। 14 अप्रैल 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और ऐलान किया कि शासन करती जमात बनना हमारा उद्देश्य है, जो बाबा साहब ने कहा उसके लिए पार्टी बनाई। तो 84 में हम लोगों को ये बात समझाने का काम काशीराम जी ने किया कि अब हम लोग अपने वोट के अधिकार का उपयोग दूसरों को चुनने के लिए नहीं करेंगे, तो शासक बनने के लिए करेंगे। ये बात 84 में काशीराम जी ने कही और उत्तर प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर करके दिखाई। जो चीज पहले हमारे लोग ऐसा मानते थे ऐसा हो नहीं सकता, वो यूपी में प्रयोग के तौर पर काशीराम जी ने करके दिखाई। उसी तरह से सारे देश भर में एक काम किया जा सकता है, और इसके लिए मैं अपने उम्र के 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी तब से एक विशाल संगठन बनाने के काम में लगा हुआ हूं। 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी तब से आज मेरी उम्र 67 साल की है। तो इसका मतलब ये है कि 49 साल से मैं संगठन शक्ति निर्माण करने के काम में लगा हूं। तो 36 में से 32 राज्यों में हमने संगठन बनाया, 36 में से 32 राज्यों में संगठन बनाया, और ये 32 राज्यों से 500 लोकसभा की सीटें चुनकर जाती है। सरकार बनाने के लिए केवल 272 चाहिए। हमारा संगठन 500 लोकसभा में कार्यरत है आज के तारीख में। सरकार बनाने के लिए केवल 272 चाहिए। तो इतना लंबा समय लगाकर इतनी बड़ी ताकत संगठित शक्ति हमने निर्माण की है। अब आप लोगों को आसान काम है जो मैं कर चुका हूं, अब उसका उपयोग और प्रयोग करने का कार्यक्रम शुरू है। ये तो संगठन शक्ति हमने निर्माण कर दिया है, अभी उस संगठित शक्ति का उपयोग जो पढ़े लिखे लोगों को जगाने का, जोड़ने का और संगठित शक्ति निर्माण करने का काम था वो हो गया। अभी उस संगठित शक्ति का उपयोग मासेस जो साधारण लोग हैं उनको सारे देश भर में इकट्ठा करने का हम लोग अभियान चला रहे हैं, सारे देश भर में चला रहे हैं। तो सारे देश भर में ये जो इकट्ठा करने का अभियान हम लोग चला रहे हैं, इस अभियान के तहत अब बहुत बड़ी बड़ी रैलियां सारे देश भर में हो रही है, ये भी एक बड़ी रैली है। तो इस तरह से ये एक बड़ी तैयारी जो है हमारे लोगों को सारे देश भर में मासेस को, कि जो हमारे महापुरुषों के द्वारा हक और अधिकार हासिल किया गया उसमें एक अधिकार वोट का अधिकार है, जिसका आपको उपयोग और प्रयोग करना है। कोई तलवार चलाना नहीं है, कोई चाकू छुरी बंदूक गोली नहीं चलाना है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा दबा देने का है, और कुछ करना ही नहीं, कुछ चाकू छुरी तलवार बंदूक गोली कुछ नहीं चलाना है, इतना आसान काम है। और अगर सारे देश भर में अगर 30-35% लोग अगर ऐसा कर देते हैं, 100% भी नहीं, तो भी ये काम सारे देश भर में होगा। 500 जिलों में 625 जिलों में
500 लोकसभा में संगठन पहुंचा दिया है। अभी आने वाले समय में दो काम हमको करने हैं। ये काम आपको करो जो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। कौन सा? अपने गांव में जाओ और गांव में जाकर बूथ लेवल कमेटी बनाओ। इस बूथ लेवल कमेटी में कम से कम एक और मैक्सिमम 3 आदमी की कमेटी बनाओ और उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। फिर उसके बाद में जो 1000 वोटर का बूथ होता है उसमें 3 मेंबर कमेटी बनेगी बूथ लेवल की। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग होगा, यानी शेड्यूल कास्ट, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट के जो वोटर है उसमें 3 कमेटियां बनाओ 1000 वोटर में। फिर शेड्यूल ट्राइब, अगर उस इलाके में शेड्यूल ट्राइब आदिवासी है तो शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल ट्राइब, 2 कमेटियां बनाओ। जो तीसरा है नॉमेडिक ट्राइब, ये 6 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, 6 कमेटियां हो जाएगी। फिर उसके बाद एमबीसी 7, फिर ओबीसी 8, फिर उसके बाद 8 हो गया, मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट जैन लिंगायत 6, 8 और 6, 14। 1000 वोटर में 14 सोशल नेटवर्किंग की कमेटियां बनेगी। जो हमारे कार्यकर्ता है वो इस बात को समझ ले, जो क्राउड है वो भी समझ ले कि 1000 बूथ में, 1000 का जो बूथ होगा वोटर का, उसमें 1 कमेटी होगी मेन बूथ कमेटी, उसमें सोशल नेटवर्किंग की 14 कमेटियां होगी, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की, 14 कमेटियां होगी। 14 कमेटियां होने से जानते हो क्या होगा? एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के जो वोट है वो सारे वोट आपके झोली में पड़ेंगे, एक वोट नहीं, सारे वोट पड़ेंगे। और इसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं करना होगा। चुनाव जब आता है तब लोग बूथ तैयार करते हैं, नहीं, गलत बात है। 5 साल तक बूथ तैयार करो, 5 साल तक बूथ के अंदर सोशल नेटवर्किंग की कमेटियां बनाओ, 5 साल तक चुनाव की तैयारी, चुनाव जीतने की तैयारी 5 साल तक करो। जब चुनाव आएगा कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो बूथ में आपको वोट देने वाले लोग है वही नोट देने का काम करेंगे, वोट भी देंगे नोट भी देंगे। एक कार्यक्रम का श्रीराम जी ने चलाया, 1 वोट 1 नोट, ये भी कार्यक्रम चलाया। तो बूथ लेवल का काम करने के लिए जो पैसा लगेगा वो पैसा भी बूथ के लोग ही खड़े करेंगे। तो इस तरह से अगर आप सारे देश भर में तैयारी करोगे, अभी ये काम करने का ही काम शुरू किया मैंने। मैंने जिंदगी में जो काम हाथ में लेता हूं वो कभी विफल नहीं होता है। अभी ये काम लिया, 14, 1 बूथ में 14 कमेटी बनाने का काम अभी हाथ में लिया। अब 2024 में बनाने का काम चल रहा है, मगर पूरा नहीं होगा तो 2029 में 100% हो जाएगा। यही काम, और कोई काम धंधा ही नहीं है हमारे पास, कोई काम धंधा है। ऐसे ही लोग अगर सारे देश भर में केवल 10,000 नौजवान तैयार हो जाए, ज्यादा नहीं, 10,000 नौजवान तैयार हो जाए तो सारे देश भर में 12,00,000 से लेकर 15,00,000 बूथ और उसके अंतर्गत सोशल नेटवर्किंग की कमेटियां अगर बन जाती है तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे, शांतिपूर्ण तरीके से देश में क्रांति हो जाएगी, शांति से क्रांति हो जाएगी। कोई हथियार उठाने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई चाकू छुरी बंदूक गोली उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। इस तरीके से
हम लोग ये काम कर सकते हैं, ये काम हमने करने का संकल्प किया है, हमने संकल्प किया है, आप सभी लोगों को संकल्प करना है, तो संकल्प आप लोग भी कर रहे हैं, इसलिए आपको सबूत पेश करना होगा। अगर मैं कहता हूं कि आप सभी लोग संकल्प करो तो हाथ खड़े करो, सभी लोग हाथ खड़े करो। हो गया, जब आपने खड़ा कर लिया है तो अपने अपने इलाके में ये छोटा छोटा काम करना है, बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं करना है, अपने अपने हिस्से का करना है, हर एक आदमी को अपने अपने हिस्से का करना है और ज्यादा बड़ा करना नहीं है। तो सब लोग मिलकर करें, आपको जो भी डिफिकल्टी आएगी, प्रॉब्लम आएगी, हम लोग, हमारे कार्यकर्ता हर जगह रहेंगे, उसका समाधान किया जाएगा। बस ये करो, हमारी कोई मांग नहीं है, किसी सरकार से हमारी कोई मांग नहीं है, सर सरकार ही अपनी बनाने का काम है, तो मांगने का काम कहाँ है, तो हम मांगने वाले लोग नहीं है, हमारी संख्या ज़्यादा है, लोकतंत्र में हमारे वोट ज़्यादा है, तो हमारी सरकार बनाने लायक है। जब सरकार बनती है तो सरकार देने लायक होती है, जो भी मांगने वाला होता है उसको देने लायक सरकार होती है। तो हम लोग तो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, हम तो देने वाले की बात कर रहे हैं, हम लोग मांगने वाले नहीं रहना चाहते हैं। मांगने वाले का मतलब समझते हो ना, मांगने वाले का मतलब भिखारी नहीं भाई, शासक बनने का ताकत, वोट का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर हम दे चुके हैं, तो हमारे अंदर है, केवल उसका उपयोग और प्रयोग करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये आने वाले समय में हो जाएगा। और अगर कोई बुढ़ा आदमी मेरी सुन रहा है तो ये काम 2029 तक पूरा हो जाएगा, तारीख भी बता रहा हूँ, 29 तक हो जाएगा। तो वो बुढ़ा आदमी अगर सुन रहा हो, मरेगा ही नहीं। क्यों नहीं मरेगा, बोलता 29 तक तो बात है, फिर तो मैं जी ही लूंगा। जैसे गांव में कभी कभी क्या होता है कि जो बाप है माँ है मरने को लिटी हुई होती है, खाट पर, बेड पर होती है ना, बोलता है नहीं मेरा बेटा दिल्ली में नौकरी करता है, उसका आखिरी बार एक बार मुंह देखना चाहती हूँ, होता है ना गाँव में। तो किसी तरह से उसको भागते भुगते उसको गांव में लाया जाता है और आखिरी बार उसको वो माँ देखती है, देखकर ही आँख लगा लेती है। तो उम्मीद पर दुनिया कायम होती है। तो ये जो उम्मीद मैं आपको 29 तक दे रहा हूँ, तो जो बुढ़ा है वो भी नहीं मरेगा, वो 29 तक जी लेंगे। तो ठीक है, तो वो जी भी लेगा और वोट डालने के बाद जाएगा, वोट के पहले नहीं जाएगा, वोट डालेगा फिर जाएगा, देखेगा सारा बदलाव हो गया। बहुत आसानी से ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपने आप को तैयार करिए। इतने तरीके से ये काम किया जा सकता है, साधारण तरीके से ये काम आप करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।